हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक रस्तोगी और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आजकल कुछ यूट्यूब की तरफ से बहुत ही खास अपडेट्स निकल के आ रही हैं, तो उन्हीं पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो पे। तो वीडियो पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ यूट्यूब की तरफ से अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। एक जो अपडेट आपने देखी और पढ़ी भी होगी कि टर्मिनेशन चैनल जो होगा, अब एडसेंस डिसेबल है, जिनके कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका जो चैनल है वो टर्मिनेट हो जाएगा। जो लोग ग्रो अप कर रहे हैं, अभी 4000 पहुंचा हुआ, जैसे मेरा भी नहीं कंप्लीटेड है अभी, तो क्या ये सारे चैनल डिलीट हो जाएंगे? तो इन्हीं पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो इसमें कहा यह जा रहा है कि जिससे यूट्यूब को फ़ायदा नहीं हो रहा है वो चैनल्स जो हैं वो डिलीट कर सकता है यूट्यूब। तो इनके कहने का मतलब ये है, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिनका या फिर एडसेंस परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया है, तो वो चैनल जो हैं वो डिलीट हो सकते हैं। प्लस ऐसे जो चैनल हैं जिन पे ऐसा कंटेंट होता है या कॉपीराइट कंटेंट ही डालते हैं जो कभी भी मोनेटाइजेशन जिनका हो ही नहीं सकता, जो इस कैटेगरी में चैनल आते हैं उनसे कोई प्रॉफिट नहीं होगा यूट्यूब को, तो वो वाले चैनल्स जो हैं वो यूट्यूब डिलीट कर सकता है। बट अगर आप अच्छा कंटेंट डाल सकते हैं, उस पर एडसेंस इनेबल हो सकता है, एडसेंस अप्रूव हो सकता है, तो उस टाइप के चैनल्स पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ जाइए कि किस तरीके के चैनल जो है वो डिलीट होने वाले हैं या यूट्यूब टर्मिनेट कर सकता है या किन चैनल्स को नहीं करेगा। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर आप कंटेंट अच्छा डालते हैं जो एडसेंस के इनेबल होने की संभावना रखता है, एड्स जिस पे सर्व की जा सकती हैं, वो सारे कंटेंट आप आराम से डालते रहिए। आप अपना कंटेंट खुद का बनाइए अच्छा सा, उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका आराम से एडसेंस जो रहेगा वो इनेबल हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और दूसरा आ रहा है जो कोपा की तरफ से जो आ रहा है, चाइल्ड ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन, इसमें होता है कि इसमें क्या किया जा रहा है। इसकी जो आज ही अपडेट आई हुई है, तो इसमें क्या रहेगा, जैसे जो आपसे कैटेगरी चूज करने को बोली जा रही है, जैसे आपका जो वीडियो का जो चैनल का रहता है कंटेंट वो चाइल्ड के लिए है या अपर लेवल के लिए है। कहने का मतलब इनसे है, अलग अलग चाइल्ड की एजेस होती हैं, बच्चों के लिए है या बच्चों के लिए नहीं है। आप कोई भी कंटेंट बनाते हो तो उसमें आपको कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। अब आपको तो चूज करना जरूरी है, अगर आप नहीं चूज करते हैं तो यूट्यूब कोई भी एक्शन ले सकता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, अगर आपका कंटेंट चाइल्ड वाला है तो आप उसे चाइल्ड पे कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उस पर नो कर सकते हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे जो भी कंटेंट है, अगर आपने कोई वीडियो में बच्चे से भी वीडियो बनवाई है तो भी वो आपकी जो वीडियो रहेगी वो चाइल्ड के लिए ही हो जाएगी। तो उसमें कहने का मतलब ये रहेगा, अगर आप उसको यस करते हैं तो उसमें आपके कमेंट्स जो रहेंगे वो डिसेबल रहेंगी। तो अगर आप अपना चैनल ही उस पर यस कर देते हैं पूरी तरीके से, तो आपकी जो नोटिफिकेशंस वगैरह हैं वो भी नहीं जाएंगी और आपका रेवेन्यू भी काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि उस पर एड्स वगैरह भी काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ये यूट्यूब का कहने का, अगर आप नॉर्मली जैसे टैग है इस तरीके के बनाते हैं तो अपर एज के लिए है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें नो का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब की तरफ से। तो बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगे, क्या आप इसे पसंद करेंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। थैंक यू।